आज के टाइम पे तुम इस टाइप की रील बहुत ही ज्यादा देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल लर्न हाउ टू एडिट अ वीडियो लाइक दिस शॉर्ट्स और वायरल रील्स। इस टाइप का रील काफी इंगेजिंग होता है जिसकी वजह से ये रील बहुत ही जल्दी वायरल हो जाता है एंड इसका एक ही सीक्रेट रेसिपी है वो है एडिटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो। अगर तुम मोबाइल में एडिट कर रहे हो तो कैपकट या फिर वीएम में कर सकते हो, और अगर पीसी में कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो हो गया, डाविंची हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया। वैसे मैकबुक के लिए तो अगर आपके पास है तो यू कैन यूज इट। तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। टेक्निक सेम है बट हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग इंटरफेस होती है जिसकी वजह से तुम्हें तो कुछ हार्ड लगेगा कुछ इजी पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो ले रहा हूँ। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक बोनस है, मैंने तुम्हारे लिए एक पैक बनाया हुआ है जिसमें तुम्हें बहुत सारा कुछ एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, आइकन्स हो गया, वो सब तुम्हें एक पूरी पैक में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री में है। तो सबसे पहले अपनी फुटेज को अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, तो मैंने इंपोर्ट यहाँ पे पहले से कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद वो सारे फुटेज को टाइमलाइन पे लेके आना है। सो उसको ड्रैग करते टाइमलाइन पे एंड यहाँ पे ये सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो भी फुटेज की सेटिंग होगा उसके हिसाब से। और अगर तुम्हें इसमें चेंज करना है तो जस्ट गो टू सीक्वेंस एंड सीक्वेंस सेटिंग, एंड अगर तुम्हें इसमें फ्रेम साइज चेंज करना है तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी तुम्हें एग्जैक्ट रखना है, 1080p रखना है, 1920 रखना है, अपने हिसाब से तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नाउ अभी ये इंपोर्ट हो गया तो सबसे पहले तुम्हें करना है जो भी अननेसेसरी पार्ट है, जैसे कि कुछ मिस्टेक्स है या फिर बीच में स्पेस है या फिर गैप है, तो उसको तुम्हें यहाँ से रिमूव करना है। फटाफट से मैं रिमूव कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कट करना है एंड जो भी पार्ट नहीं चाहिए उसको यहाँ से डिलीट प्रेस कर देना है। ये पार्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हम इसमें कट लगाएंगे एंड यहाँ भी कट लगाएंगे और इन दोनों को यहाँ से बीच में से डिलीट कर देंगे। तो फटाफट से मैं इसको कट करके अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ। ओके, अभी हमने सारे फुटेज को कट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड स्टेप होगा इसमें कलर ग्रेडिंग करना। तो कलर ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, राइट क्लिक करना है एंड न्यू आइटम पे जाके एडजस्टमेंट लेयर, एंड इसको हम पूरे टाइमलाइन पे ड्रैग कर देते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे ल्यूमेट्री कलर पे, फिर हम यहाँ पे इस फुटेज के हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर लेंगे। अब तुम्हें कैसा कलर ग्रेडिंग करना है वो तुम देख सकते हो। तो इसको मैं हल्का मोडी टोन में क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ से हम हल्की फुल्की इसमें से लाइट बैलेंस कर लेंगे। नाउ अभी हमारा कलर ग्रेडिंग भी हो गया। थर्ड स्टेप जो है इसमें मोशन डालना, यानी कि अगर तुम्हारा कोई फुटेज स्टिल है तो उसमें हल्का सा तुम्हें मोशन डालना पड़ेगा ताकि तुम्हारी फुटेज और भी बेटर लग सके। कि अगर तुम कोई भी स्टिल इमेज या फिर कोई भी स्टिल वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल खुद भी मजा नहीं आएगा। तो इसमें हम एक हल्का सा जूम इन स्टार्टिंग में या फिर जूम आउट इफेक्ट डालेंगे। उस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए वापस हम एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे एंड इसमें हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट एंड यहाँ से हम इसको ड्रैग कर रहे हैं अपने लेयर पे। शटर एंगल है उसको हम रख देते हैं 240 ताकि ये स्टार्टिंग में मोशन ब्लर क्रिएट कर सके एंड जो उसकी स्केल वैल्यू है इसको हम रखेंगे हल्की से जाके आगे में एंड इसकी स्टार्टिंग में जूम करेंगे, स्केल की वैल्यू डाउन कर देंगे करीब 140 या 115 इतना सही रहेगा। एंड अभी हम प्ले करें तो यहाँ पे तुम देखोगे हल्के से मोशन ब्लर आ रहा है। ओके ठीक है, हो गया अभी। एंड सेम इसी तरीके से तुम्हें जहाँ जहाँ पे भी लगा कि यहाँ पे हमें जूम इन या फिर जूम आउट इफेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पे तुम सेम ऐसा ही एक लेयर क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट लेयर, उस पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करके वैसा तुम क्रिएट कर सकते हो। एंड अभी ये हमारा स्टार्टिंग में हो गया। नाउ अभी हमारा फोर्थ स्टेप होगा इस पर टेक्स्ट ग्राफिक्स या फिर कुछ एनिमेशन डालना। तो वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अपने फुटेज को पहले प्रीव्यू करना पड़ेगा। प्रीव्यू तुम्हें इसलिए करना ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाए कि किस पॉइंट पे तुम्हें ग्राफिक्स ऐड करना है या फिर किस जगह पे तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है। अभी सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ देख लेता हूँ फुटेज पहले। At Urban Media, we are a big believer in customer service. और हम लोग बहुत ही कम ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो recently we onboarded this new client. It was in clothing industry. And we got to know कि ये client ने इंडिया के one of the biggest agency के साथ काम किया हो। And यहाँ पर मुझे एक graphics create करना है। Graphic create करने के लिए हम यहाँ से कुछ footage चाहिए, जैसे कि for example image हमें चाहिए होगी या फिर icon। Icons के लिए हम चाहेंगे flat icon या फिर Google पे। तो फटाफट से जो भी मुझे resources चाहिए वो मैं download कर लेता हूँ। और अगर suppose कि तुम्हें कुछ animated चाहिए तो तुम्हें YouTube पे जाना है। जो भी तुम्हें graphics या फिर animation चाहिए, अभी हमें कुछ एनिमेटेड एरो चाहिए तो यहाँ पे हम जाके सर्च करेंगे एनिमेटेड एरो ग्रीन स्क्रीन एंड यहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे तुम्हें फुटेज मिल जाएंगे। अब इसमें से तुम कोई भी यूज कर सकते हो एंड अगर तुम्हें आइकन चाहिए तो तुम फ्लैट आइकन पे जाके वहाँ से बहुत सारे आइकन डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल भी फ्री है एंड गूगल तो है ही है, वहाँ से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो इजिली से। तो फटाफट से मैं सारे आइकन या फिर इमेज हो गया एनिमेट हो गया वो मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे जो भी मुझे ग्राफिक्स या फिर इमेज या फिर बीरोल चाहिए था वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने का वेबसाइट तो मैंने आपको बताई दिया, वहाँ से इजिली से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कोई भी एक बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं, यहाँ से
इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड लेयर जहां तक तुम्हें चाहिए सिर्फ वहीं तक रहना है, ये बैकग्राउंड लेयर यहीं तक इस पॉइंट तक ही चाहिए, तो इसको मैं यहीं तक रखूंगा और बाकी का मैं यहां से इसको ट्रिम कर दूंगा और उसके आगे ही नहीं चाहिए क्योंकि ये अलग टॉपिक हो रहा है यहां से। एंड यहां पे फुटेज में जो भी जिसके बारे में बताया गया है तो उसके रिलेटेड यहां पे तुम्हें आइकन या फिर बी रोल चाहिए वो यहां पे इंपोर्ट कर लेना है। अभी इन दोनों आइकन को अभी एनिमेट करना है। एंड एक और बोनस है तुम्हारे लिए, अगर तुम ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट को मैनुअली की फ्रेम करके एनिमेट कर रहे हो तो ये प्रीसेट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और इसे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। और ये सिर्फ प्रीमियर यूजर के लिए, तुम कैपकट या फिर वीएन में कर रहे हो तो ऑलरेडी वहां पे पहले से बहुत सारे प्रीसेट बने हुए। एंड दूसरा तरीका है मैनुअली। अब तुम्हें किस वैल्यू को एनिमेट करना है, अब एनिमेट करने के भी बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे कि तुम्हें स्केल में एनिमेट करना है या फिर पोजिशन में एनिमेट करना है। इसको मैं अभी यहाँ पे स्केल पे एनिमेट कर लेता हूँ। अभी हम यहाँ पे हल्की से आगे जाएंगे और यहाँ से मैं एक स्केल पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें स्केल की वैल्यू हम जीरो कर देंगे। अभी ये स्केल में एनिमेट हो गया है। इसी तरीके से तुम्हें हर एक एलिमेंट को हर एक आइकन को एनिमेट कर लेना है, तो वो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैंने हर एक एलिमेंट को एक करके एनिमेट कर लिया है। जैसे मैंने फर्स्ट वाले आइकन पे एनिमेट किया सेम उसी तरीके से सारे आइकन पे मैंने की फ्रेम ऐड करके इसको एनिमेट कर लिया है। नाउ अभी अगर हम रिव्यू करें तो ने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी के साथ काम किया हुआ है। जब हमने एंड इसी तरीके से तुम्हें अपनी पूरी वीडियो में ग्राफिक्स को ऐड कर लेना है और उसको फिर एनिमेट कर लेना है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट भी सेम तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ग्राफिक्स ऐड किया उसको एनिमेट किया, सेम टेक्स्ट में भी ऐसा ही काम करेगा तुम्हारा। एंड जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा साउंड इफेक्ट। अब साउंड इफेक्ट भी तुम्हें हर एक एलिमेंट जो जैसे तुमने एनिमेट किया उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे साउंड इफेक्ट में ऐड करना है। और बंडल की लिंक तो दी हुई, उसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, उसमें से कोई भी तुम यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर ज्यादा साउंड इफेक्ट मत यूज करना वरना बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगेगा तुम्हारी वीडियो। जैसे कि यहाँ पे ये स्केल हो रहा है तो यहाँ पे हम उसे इसका साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब साउंड इफेक्ट भी ऐड करना बहुत आसान है, सिंपल। अभी तुम्हें जो भी साउंड इफेक्ट ऐड करना है टाइमलाइन पे ड्रैग करना है, जिस भी आइकन पे तुम्हें साउंड इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने इस साउंड इफेक्ट ऐड कर लिया है। एंड अब इसका जो ऑडियो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी में ऑडियो लेवल हल्की सी डिक्रीज कर देंगे। ऑडियो लेवल हमने इसको डिक्रीज कर दिया तो अभी ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो सेम इसी तरीके से तुम्हें सारे क्लिप एक एक क्लिप में साउंड इफेक्ट ऐड करना है। नाउ अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा म्यूजिक ऐड करना। अब म्यूजिक कहाँ से मिलेगा हमारे, नो कॉपीराइट, वो तो यूट्यूब से मिल जाएगा। इसलिए जिस भी टाइप का तुम्हें म्यूजिक चाहिए यहाँ पे सर्च करनी है, सिंपल सर्च करो एंड उसको डाउनलोड कर लो कि ये ऑडियो लाइब्रेरी है। यहाँ से तुम्हें अनलिमिटेड नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएगा, यहाँ से तुम कोई भी ले सकते हो, नॉन कॉपीराइट है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। या फिर तुम यूट्यूब के लाइब्रेरी से भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर एडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक देन तुम्हें ट्रांजिशन इसमें ऐड करना है, और ज्यादातर जो ट्रांजिशन मैं यूज करता हूँ किसी भी वीडियो में वो है फायर वाला। अब जहां जहां तुम्हें लगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करना है उस जगह पे आना है और वहां पे तुम्हें अपने ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। अब अभी देख लेते कि ये हमारा फाइनल वीडियो बनके कैसा रेडी होगा। सो लेट्स वॉच। At Urban Media, we are a big believer in customer service. और हम लोग बहुत ही कम ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो recently we onboarded this new client. It was in clothing industry. And we got to know कि ये client ने इंडिया के one of the biggest agency के साथ काम किया हुआ है। जब हमने अकाउंट ओपन किया, उसका वेबसाइट ओपन किया, तो it was shit. वेबसाइट पे कुछ भी कलर कुछ भी डाल रखे हैं, कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, ना अच्छे बैनर्स है, ना कोई अच्छा ऑफर है, कस्टमर जर्नी बहुत खराब है, फनल का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। फिर जब हमने उनका फेसबुक एड अकाउंट खोल के देखा तो वहाँ पे तो भाई वो सेल्स करने के लिए ट्रैफिक कैंपेन यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी ने भी एड्स रन किए तो उन्हें पता होगा कि ट्रैफिक कैंपेन से कभी सेल्स नहीं आते। सो वी हैड टू डू कंप्लीट 360 मेकओवर फॉर दिस ब्रांड। वी मेड देम न्यू एड्स, वी चेंज देयर बैनर्स, वी फिक्स सम कलर्स फॉर देयर ब्रांड, देयर वाज कॉन्ग्रुएंसी इन एड्स एंड वेबसाइट, वी सिंपलीफाइड देयर कस्टमर जर्नी, एंड आफ्टर चेंजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स वी वर एबल टू डू 12 लाख रुपीस इन 30 डेज फॉर दैट ब्रांड। नाउ द ब्रांड इज वेरी यूनिक एंड इट इज इन द लिनन क्लोथिंग इंडस्ट्री, सो वी आर प्लानिंग टू स्केल दिस ब्रांड अप टू 40 टू 50 लाख पर मंथ इन अपकमिंग डेज। सो या I'll keep you guys updated. तुम्हें देख लिया वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी हम देख लेते हैं कि इसको कौन से सेटिंग पे इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि जो हमारी वीडियो की क्वालिटी है वो डिक्रीज ना हो। अगर तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया के लिए तो तुम्हारी मेक श्योर कि वो 1080 1920 की रहे। अगर तुम शॉर्ट फिल्म कॉन्टेंट बना रहे हो तो उसका जो सीक्वेंस है वो 30 fps पे रहे। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे एंड इधर हम जाएंगे वीडियो सेक्शन में, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दो ऑप्शन को चेक कर लेंगे, रेंडर एट मैक्स डेप्थ एंड यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। इससे तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी वो डिक्रीज नहीं होगी, जो है एग्जैक्ट वही रहेगा। देन यू कैन एक्सपोर्ट योर वीडियो एंड इस तरह से तुम अपनी पूरी वीडियो को एडिट कर सकते हो। ये तो सिर्फ अभी एक रफ एडिट था, बट अगर तुम सेम स्टेप को फॉलो करते हो और थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से एडिट हो जाएगी। एंड इस तरह की वीडियो तुम एडिट करके अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव और वायरल करा सकते हो बहुत ही जल्दी, या फिर क्लाइंट का वीडियो एडिट करके तुम उसे पेड वर्क ले सकते हो। ओके देन आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी।
लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी क्रिएटिव।